हेलो दोस्तों, यार मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आप सब लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक मोबाइल है, माइक्रोमैक्स Q402। इसका प्रॉब्लम है, थंबनेल पे जो देखा है इस प्रॉब्लम है, हैंक मतलब ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हैंक प्रॉब्लम सॉल्व करने से सबसे पहले फ्लैश फाइल डाउनलोड करना होगा। तो फ्लैश फाइल कहाँ मिलेगा, किसी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ब्राउज़र पर सर्च कर लीजिए माइक्रोमैक्स Q402 फ्लैश फाइल, सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ये जो माइक्रोमैक्स Q402 स्टॉक रोम, जो इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा तीन फाइल, यहाँ पे आपका जो मॉडल मिला के एक फाइल डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास आपका जो फ़ोन है, ये फ़ोन का सही मॉडल मिला के आपका फाइल जो है वो ले लेना है, डाउनलोड कर लीजिए। सही तरीके से नहीं मिलने से मोबाइल ऑन नहीं होगा दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये देख लीजिए, मैं इस फाइल से फ्लैश कर रहा हूँ, तो मैं पहले फ्लैश फाइल डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप सब लोग को दिखाने के लिए मैं इस तरह ओपन किया है, तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं डाउनलोड पहले कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा भी दबा दीजिए नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये देख लीजिए, मेरा फ्लैश फाइल मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो SPD टूल दिखाई दे रहा है, इसको नहीं मिलेगा ये फ्लैश फाइल का अंदर। और मेरा वीडियो का नीचे लिंक दे दूँगा, इस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद ये टूल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यह जो फ्लैश फाइल है वो ले लेना है। फ्लैश फाइल लेने के बाद इसे थोड़ा टाइम लग जाता है, फ्लैश फाइल लेने से थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लीजिए। दोस्तों इस फ्लैश फाइल का MB भी ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो किसी ब्राउज़र से दोस्तों। और जो फ्लैश टूल है वो भी मिलेगा, इसका भी MB ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। मेरा PC थोड़ा स्लो है, इसलिए काम थोड़ा स्लो कर रहा है दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो देख के सब लोग को अच्छा लगे, किसी काम पे आ जाए तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे वीडियो लेता रहूँगा और सब लोग को मिल जाए दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और आपका मोबाइल वॉल्यूम अप जो की है उसको दबा के USB केबल कनेक्ट कर देना है और डिवाइस मैनेजर ओपन कर लीजिए। आपका जो पोर्ट है, मॉडल है, वो आ जाएगा डिवाइस मैनेजर का अंदर। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट का अंदर ही आ जाएगा आपका जो मॉडल है। ये देख लीजिए, हमारा फ्लैशिंग शुरू हो गया, फ्लैशिंग हो रहा है। ये देख लीजिए SPD CPU और हमारा फ्लैशिंग भी हो रहा है दोस्तों। इससे थोड़ा टाइम लग जाता है फ्लैशिंग होने से, 4-5 मिनट तक लग जाता है दोस्तों, और भी थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लीजिए दोस्तों। किसी भी यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड करने से बहुत मेहनत, रात दिन मेहनत करना पड़ता है। जिन लोग यूट्यूबर है एक वीडियो बनाने से बहुत मेहनत करता है, लेकिन जिन लोग देखते हैं दोस्तों किसी लाइक कमेंट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे दोस्तों। आप सब लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहा हूँ रात दिन वीडियो अपलोड करने के लिए दोस्तों। मेरा वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे वीडियो लेता रहूँगा और आप सब लोग को मिल जाए दोस्तों।
तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे दिखाने वाला हूँ वीडियो किस तरह फुल फ्लैश हो रहा है, किसी एरर आ रहा है कि नहीं, फुल फ्लैश हो रहा है कि नहीं। अगर आपका पैटर्न पिन हैंग किसी प्रॉब्लम हो गया तो आप फुल फ्लैश करने से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इस तरह फुल फ्लैश करने से थोड़ा MB लगता है इंटरनेट से डाउनलोड करने से फाइल, लेकिन जिनको मोबाइल बना के देगा वो मोबाइल पूरे तरीके से अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मेरा चैनल पे बहुत वीडियो पड़ा है, अगर किसी मोबाइल का जानकारी चाहिए तो मोबाइल का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम बहुत कुछ थोड़ा कम मिलेगा सॉल्व करने से। दोस्तों ये देख लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, 5-6 मिनट के अंदर ही वीडियो हो गया है दोस्तों। दोस्तों इसका ड्राइवर जो है SPD ड्राइवर, वो भी आप इंस्टॉल कर लेना है आपका PC से, एक बार इंस्टॉल होने से दोबारा नहीं मांगेगा ड्राइवर। दोस्तों ये देख लीजिए हमारा फ्लैशिंग पूरे हो रहा है, ये देख लीजिए फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी मोबाइल USB केबल इंसर्ट करके मोबाइल ऑन कर सकते हो दोस्तों, अभी मोबाइल ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए ऑन हो रहा है मेरा मोबाइल। दोस्तों मेरा वीडियो देख के सब लोग अच्छा लगे, किसी काम पे आ जाए तो मेरा वीडियो को